सबसे पहले आज आपको वो खबर दिखाते हैं जो इस समय की सबसे बड़ी खबर है, जिसके बारे में चारों तरफ चर्चा हो रही है। जय श्रीमान, श्रीमान गन्ना करने के लिए 11 आदमी हजर है। जय श्रीमान। गन्ने करने वाला प्लाटून एक साथ शुरू कर। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। गजब बेइज्जती है। दोस्तों, 4 साल बाद अग्निवीर योजना के तहत सेना में भर्ती हुए लड़कों का क्या दृश्य यही होगा? यह मजाकिया वीडियो भले ही लग रहा है, लेकिन इस वीडियो में अग्निवीरों का भविष्य में साफ साफ दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 साल की अग्निवीर योजना में ये कहीं नहीं कहा गया है कि जो 75% सैनिक रिटायर्ड होंगे उन्हें कहीं ना कहीं नौकरी दी जाएगी। अग्निवीर योजना में कहा जा रहा है कि 10% केंद्र की नौकरियों में छूट दी जाएगी। दोस्तों, हमारा मोदी सरकार से सिर्फ एक ही सवाल है, जब आप तीनों सेनाओं को संविदा पर रख रहे हो तो हमें कैसे यकीन होगा कि आप आगे चल के असम राइफल CRPF को संविदा पर नहीं करोगे? क्या इसका जवाब है आपके पास? दोस्तों, यह वीडियो आपको मजाकिया भले ही लग रहा है, लेकिन इस वीडियो में अग्निवीर योजना के तहत भर्ती किए गए युवाओं का भविष्य साफ साफ दिखाई देता है। क्या मोदी सरकार इन युवाओं से यही करवाना चाहती है? 4 साल की नौकरी करने के बाद युवा क्या करेगा, कहाँ जाएगा? मोदी जी, इसका जवाब दीजिए। अगर असम राइफल्स और CAPF तथा CRPF, BSF आदि में भर्ती नहीं की गई तो उस युवा का भविष्य आगे क्या होगा? मोदी जी, SSC GD के 2018 की भर्ती अभी तक रुकी हुई है। आपके किस आधार से, आपके किस बात से हम यह मान लें कि इन अग्निवीरों को 4 साल के रिटायर के बाद आप उसी SSC GD में उनको भर्ती करेंगे, जो अभी तक 2018 की भर्ती नहीं क्लियर हो पाई है? मोदी जी, दोस्तों क्या है इन सब पर आपकी राय, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि देश और दुनिया की सारी खबर आप तक पहुंचाई जा सके।